दुख, दरिद्रता और गरीबी आपका पीछा छोड़ती ही नहीं, आपके पास बहुत कम धन नहीं है, धन है परंतु एक एहसास जो हमेशा आपको होता है, एक डर जो आपके मन में बैठा हुआ है कि मेरा भविष्य बहुत खतरे में है, मैं जिस तरह कमी में अभी जी रहा हूँ, मैं भविष्य में इतने ही कमी में रहने वाला हूँ, मेरे ऊपर लाखों लाख का कर्ज है जो मेरे बच्चे भी उतार नहीं पाएंगे, मैं क्या करूँ कि अचानक से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए। आप दूसरों को बड़ा घर खरीदते देखते हैं, दूसरों को नई गाड़ी खरीदते देखते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ कि वहाँ मैं भी अचानक से पहुँच जाऊँ। तो ये सब तो आपके लिए ख्वाब है। जब भी आप अकेले में बैठते हैं, सोते हैं, तो ख्वाब की इस दुनिया में फिर से चले जाते हैं, फिर वहीं खुश खुश हो जाते हैं, मन में सोचते हैं मैंने एक नया घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, मेरे बैंक में 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए हैं। परंतु जब वो स्वप्न टूटता है, फिर वही गरीबी, वही कंगाली, फिर वही कमी, वही कर्ज का बोझ, फिर वही खींचा खींची, पैसों के लिए झगड़े, फिर वही बेरोजगारी का रोना, फिर दुकान में ग्राहक का ना आना, फिर से पूंजी डूब जाना, व्यापार का फिर से ठप हो जाना और फिर से वही बदकिस्मती। यदि ये कमियां आपकी नसीब बन गई है, आपको ऐसा लगता है कि मैं इस चक्र से कभी नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि दादाजी के जमाने से ये सामान्य वर्ग हमारा चलता आ रहा है, तो अब कौन सा अचानक से चमत्कार हो जाएगा, अब कौन सा अचानक से कुबेर का खजाना मुझे मिल जाएगा कि मैं उन लोगों में गिनती होने लगूंगा जिन्होंने डुप्लेक्स खरीदा, बंगलो खरीदा, गाड़ी खरीदी, आज ये जेवर कल वो जेवर, कल आज ये गाड़ी कल वो डिजाइन बदल कर गाड़ी। ऐसा आप कभी सोच भी नहीं सकते। बड़े साधारण वर्ग में आप आते हैं, साधारण सा जीवन जीते हैं और इसी साधारण जीवन में आपके दिन कटते चले जा रहे हैं, तब आपको करना होगा एक छोटा सा अद्भुत प्रयोग। हाँ, मैं कहती हूं कि भगवान गणपति जी की तस्वीर के पीछे सिर्फ एक चीज छुपा कर रख दें, सिर्फ एक चीज छुपा कर रख देने मात्र से आपके घर में आने वाली हर कमी, हर दुख, दुविधा, बाधा, संकट, परेशानियां कहां चली जाएगी आप सोच भी नहीं सकेंगे। सुबह होती है और आपके घर में धन की खींचा खींची प्रारंभ हो जाती है। ये आते वक्त ले आना, वो ले आना, वो लाया था वो टूट गया है, फिर से खराब हो गया, घर में कोई बिजली का स्विच बोर्ड खराब हो गया, मैकेनिक को आपने बुलाया तो साथ ही लगे मोटर जल गया, मतलब हर दिन खर्च के खर्च। टीवी खराब हुई नहीं कि घर में कोई बीमार पड़ गया, इधर आपने फीस चुकाई, अचानक से स्कूल के 3 महीने का फीस आ गया, उधर चुकाई तो गाड़ी का पहिया पंचर हो गया, मतलब किसी ना किसी बहाने से आपके घर से धन केवल निकलता ही निकलता है, आता है चवन्नी और निकलता है रुपया, इसीलिए 75 पैसे के कर्ज में हमेशा डूबे रहते हैं आप। जो कमाते हैं वो बैंक तक पहुंच ही नहीं पाता, जेब में आता है धन और जेब से खर्च हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे घर में धन आता है, धन कम नहीं आता है, धन अच्छा खासा आता है, जितने में कोई भी साधारण वर्ग का परिवार का खर्चा चलने लगे इतना धन आता है, परंतु टिकता नहीं है, वो धन टिकता ही नहीं है, आता है और खर्च हो जाता है। तब करे मेरा बताया यह एक दुर्लभ प्रयोग और देखिए कैसे चमत्कार होता है आपके जीवन में। भगवान गणपति जी की तस्वीर के पीछे एक चीज छुपा कर रख देने से दुख दरिद्रता आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। गणपति जी जो होते हैं ना, वो धन देने वाले, सुख देने वाले, समृद्धि देने वाले, वो राजकुमार है, वो राजकुमार है, मतलब वो भगवान शिव के राजकुमार है, तो समझिए वो कितने अमीर होंगे। कुबेर का खजाना है उनके पास, तो उनकी हल्की सी भी मर्जी हो गई ना तो धन से गदगद हो जाएंगे आप। तो आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, घर बैठे मालामाल हो जाएंगे, जहाँ जहाँ से रुपया आने के स्रोत है वहाँ वहाँ से पैसे आने लगेंगे, दुकान आपकी चलने लगेगी, बिजनेस व्यापार चलने लगेगा, कोई कर्ज लेकर गया होगा तो वो कर्ज ला कर देगा, कोई प्रॉपर्टी बिकने से रुक गई होगी तो वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी,
मतलब आप मिला जुला कर धन की समस्या से बाहर निकल जाएंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है। सोते जागते, चलते फिरते, गाड़ी चलाते वक्त या बच्चों को स्कूल से लाते पहुंचाते वक्त ओम नमः शिवाय जीवा पर रखा करो। खाना खाते वक्त भी बोल सकते हो। यदि तुम सोचते हो आज मैंने स्नान नहीं किया किसी कारण से, आज मैंने कपड़े नहीं बदले, इस मंत्र को कैसे बोलूं, इन सब भ्रम में मत रहना। जीवा पर हृदय में ओम नमः शिवाय का रट रखा करो और देखो कैसे तार जुड़ते हैं उनसे। समस्याएं आएंगे भी तो अपने साथ समाधान लेकर आएंगी, हर दुख दुविधा से दूर हो जाओगे। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। ये जो गरीबी है एक ऐसी चीज है जो एक बीमारी की तरह चिपक जाती है हमारे शरीर से, हमारी आत्मा से, हमारी जिंदगी से, और वो दूर ही नहीं होती। बीमारी फिर भी दवाई खाने से कम होती है और फिर खत्म हो जाती है, परंतु यदि किसी ग्रह की वजह से गरीबी आ जाती है ना, फिर उसे हटा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो चलो आज करते हैं धन कुबेर समृद्धि वाला एक छोटा सा अद्भुत उपाय और चमत्कार देखते हैं, अपने अपने जीवन को अपनी आंखों के सामने बदलता देखते हैं। पैसे की बरसात होगी, सारी कमी जीवन से दूर हो जाएगी। बुधवार से प्रारंभ करके 5 बुधवार आपको यह प्रयोग करना है। अपने घर में एक गणपति जी की तस्वीर या मूर्ति जरूर रखें। मैं रेकमेंड करूंगी मूर्ति, वैसे भी लक्ष्मी गणेश रखते हैं ना, तो गणेश जी की मूर्ति हो ही जाती है। नहीं है तो आप सिंगल गणेश भगवान की मूर्ति अपने घर में जरूर रखें, समृद्धि रहेगी हमेशा। बुधवार के दिन आपको एक नींबू खरीदनी है। नींबू पर आप लिखेंगे ओम गण गणपतये नमः, कलम से, रेड कलम से, ग्रीन कलम से लिख देंगे, काली कलम से ना लिखेंगे। 5 पीले फूल लेंगे, 5 पीले फूल और 1 नींबू को एक पीले कपड़े में पोटली बनाकर गांठ बांध देंगे, 2 गांठ बांध देंगे, गणपति जी के सामने रख देंगे। उन्हें यथाविधि हल्दी का तिलक लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, जैसे उनकी पूजा करते हैं दुर्वा चढ़ाएंगे। लड्डू आपको भोग लगानी है, भोग लगाइए बुधवार के दिन। वैसे भी बुधवार को गणपति जी की थोड़ी सी स्पेशल पूजा होनी चाहिए, घर में समृद्धि रहती है। पूजा पाठ करने के बाद, नमन करने के बाद इस पोटली को गणपति जी की पीठ के पीछे छुपा दीजिए, उनकी मूर्ति के पीछे छुपा दीजिए, रहने दीजिए पूरे हफ्ते। अगला बुधवार आया, फिर आपने ये सारी चीजें चढ़ाई, वो पोटली निकाली, उसमें से पुष्प उठाकर फूल पौधे में डाल दीजिए और वो जो नींबू है उसमें धागा बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दीजिए। फिर इस हफ्ते आप यही काम करें, ये सारी चीजें चढ़ाएं, उनकी पीठ के पीछे हफ्ता भर रहने दें और अगले हफ्ते उस नींबू को जो आपने घर के दरवाजे पर टांगा है उसे हटाकर किसी भी जल में फेंक दें, किसी भी जल में प्रवाहित कर दें और इस नींबू को फिर लटका दें। यह सिलसिला 5 बुधवार तक चलेगा। यदि इस 5 बुधवार के भीतर चमत्कार ना हुआ तो कहिएगा गणपति जी भगवान की ऐसी कृपा बरसती है इस उपाय पर, आपके घर में आने वाली हर दुख दुविधा बाधा गरीबी संकट परेशानियों को कहां भेज दिया जाता है आप समझ भी नहीं पाएंगे। बैठे बिठाए लाखों कमाएंगे, जो भी समस्याएं आ रही थी जीवन से वो दूर होती चली जाएंगी, धन बरसेगा, लाखों लाख बन जाएंगे आप करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।